जय भीम, स्वागत है आप सबका ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2023 में। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भीम। ठीक है, कुल्हड़ है। अब इसमें स्टोरी क्या है, चलिए कहानी क्या है, एक लाइन बोलना है केवल। यहाँ पे इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल क्या होता हुआ। खबरों को पेश करने का इनका एक अलग ही तरीका है। हेलो, ऑडियो चेक, ऑडियो 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 ऑडियो। अगले भाषण में जैसे ही मैंने कहा कि वो जो टाट जाति देखकर अलग बिछाया जाता था, वो संविधान के लागू होने के बाद कहीं गायब हो गया। उधर एक भी स्ट्रिंगर था तो नहीं था, उधर एक भी रिपोर्टर था नहीं था। यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया को पता है भीमा कोरेगांव क्या है तो नहीं पता। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर आप हमारे बीच में एक दिन आइए और मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज है बहुत पिछड़ा है सर। आपकी भाषा में ना टच होना चाहिए, आप लोगों का दर्द बयां कर सकते हैं, क्योंकि उस दर्द को आपने झेला है। इस देश में कहानियां हमारे पास है, किस्से हमारे पास है। पॉडकास्टर बनने से पहले खुद से भी शायद सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आपको क्या बातों में मजा आता है, या फिर किसी बातें करने में नहीं, बातें सुनने में नहीं। आधे कट्ठे जमीन के लिए लड़ते लड़ते देश की राजधानी ने, श्याम ने नहीं, न्याय ने दम बड़े सवेरे ही तोड़ दिया। अपने लोग वकील करते दूसरा, और आपके पास आएंगे फ्री में काम कराने। कर
मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सभी फील्ड में जो मैं नाम ले रहा हूँ एडिटिंग स्क्रिप्ट और इन समय में ठीक कर रहा हूँ, इसीलिए लोगों द्वारा देखा जा रहा है। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। ये जो कार्यक्रम है ये चूंकि एक छोटा सा प्रयास है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर एक मंच पे इसी तरह से हंसे सीखें खेलें और भविष्य के लिए कुछ रणनीति बनाएं और एक बेहतर भविष्य हम लोगों का हो, तो इन सभी साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया।